मॉर्निंग क्लास फर्स्ट बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अपोजिट वर्ड्स पढ़ाए थे। आज मैं आपको उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो फिल करा दूंगी। आपकी बुक में दिए गए हैं, आप ये सामने देख सकते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ देखिए बच्चों, लिखा है दिस इज, फिर ऑप्शन में आपको टॉल और बॉय दिया गया है, राइट? आप सबको दिखाई दे रहा है ना? तो हमें फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है उसमें हम दोनों, हमको दिए गए टॉल और बॉय, दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, दिस क्या बन रहा है? बॉय। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बॉय, बी ओ वाई, बॉय। दिस बॉय इज टॉल, ठीक है? दिस बॉय इज टॉल, समझ में आ रहा है? ये लड़का लंबा है। एंड दैट इज काइट ब्लैक। यहाँ कैसी काइट दिखाई दे रही है? ब्लैक दिखाई दे रही है। तो हम लिखेंगे दैट काइट इज ब्लैक। क्या लिखेंगे? दैट काइट इज ब्लैक। नेक्स्ट देखिए, दिस इज फैट गर्ल। यहाँ क्या बन रही है? लड़की बन रही है। कैसी बन रही है? फैट यानी मोटी बन रही है। तो हम लिखेंगे दिस गर्ल इज फैट, फैट यानी मोटा, ठीक है? फिर देखिए दैट इज डॉग बिग। यहाँ डॉगी है, कैसा बड़ा डॉगी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दैट डॉग इज बिग। समझ में आया आपको? देखिए पहले में हमने क्या फिल किया? दिस बॉय इज टॉल, ये लड़का लंबा है। दैट काइट इज ब्लैक, वे पतंग काली है। दिस गर्ल इज फैट, ये लड़की मोटी है। दैट डॉग इज बिग, वह कुत्ता बड़ा है। तो देखिए आपको इसमें दिस और दैट का भी यूज बताया और साथ में अपोजिट वर्ड्स भी आपने जो हमने लिखे थे उस दिन आपको उससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे, हमने इनको यूज करते हुए इनका फिल इन द ब्लैंक्स फिल किया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, जिसमें टॉल यानी लंबा, ब्लैक यानी काला, और फैट यानी मोटा, और बिग यानी लंबा, ठीक है? तो ये दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स जो अभी हम लोगों ने फिल किए हैं बच्चों, इसको आप एज इट इज अपनी कॉपी में करेंगे और वर्क अपना पूरा सुंदर सुंदर करना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है, और ये पूरा कंप्लीट वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू, टेक